हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में, जहां हम देते हैं आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर ज़रूरी खबर और रखते हैं आपको क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट। तो दोस्तों, आज की खबर ये है कि 12 जुलाई की फाइनेंस एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री न्यूज़ आउटलेट फाइनेंस फीड की रिपोर्ट के अनुसार अब डिफंट बिटकॉइन एक्सचेंज बिटफंडर के ऑपरेटर जॉन मॉन्ट्रोल को 14 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मॉन्ट्रोल के खिलाफ जो कार्यवाही है वो पिछले साल जुलाई 2018 से चल रही है। मॉन्ट्रोल को ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ जस्टिस के जुर्म में दोषी ठहराया गया है, मतलब उन्हें जो है न्याय के कामों में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने 2013 में फेक 6000 BTC बिटफंडर हैक की जांच में यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को फॉल्स बैलेंस स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाए थे। मॉन्ट्रोल के खिलाफ कार्रवाई 11 जुलाई 2019 को ख़त्म हुई, जिसमें न्यूयॉर्क साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रिचर्ड एम बर्मन ने मॉन्ट्रोल को 14 महीने के कैद और 3 साल की निगरानी की सज़ा सुनाई। हालांकि मॉन्ट्रोल के वकील ने प्रोबेशनरी सेंटेंस के फेवर में आर्ग्यू किया और सरकार ने 27 से 33 महीने की कारावास की सज़ा का मामला बनाया। वहीं थोड़े टाइम पहले अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट जज सैंड्रा जे फ्यूरिस्टिन ने एक क्रिप्टोकरेंसी रिलेटेड स्कीम चलाने के लिए 44 वर्षीय न्यू जर्सी निवासी ब्लैक कैंटोर को 86 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। फ्यूरिस्टिन ने कैंटोर को इस घोटाले में इन्वेस्ट करने वाले विक्टिम्स को $8,06,405 के टोटल री इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा और साथ ही स्टोलन प्रोसीड्स मतलब चोरी के आय में $1,53,000 को जब्त भी किया। वहीं मई में SEC ने कैलिफोर्निया निवासी डैनियल के खिलाफ $multi-million क्रिप्टो करेंसी पिरामिड स्कीम को ऑपरेट करने के लिए अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है। SEC ने डैनियल पर जनवरी 2017 से मार्च 2018 के बीच कैलिफोर्निया की दो कंपनियों आईप्रो सॉल्यूशन LLC और आईप्रो नेटवर्क LLC के माध्यम से फ्रॉडलेंट और अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग को ऑपरेट करने के आरोप लगाया। तो दोस्तों देखा आपने कि क्रिप्टो वर्ल्ड में घोटाला करने वाले और लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई हो रही है। अभी थोड़े टाइम पहले भारत में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें लोग क्रिप्टो पूंजी स्कीम्स चलाकर लोगों को पागल बनाते हैं। दोस्तों हम आपको ऐसी खबर इसलिए बताते हैं ताकि आप इन स्कैम और पूंजी स्कीम से बच कर रहें और आप अपने पैसे को किसी सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 11 जुलाई को एक ऑफिशियल मीडियम पोस्ट के अनुसार इथेरियम बेस्ड प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म वेल बंद होने जा रहा है। 11 जुलाई से प्लेटफॉर्म पर कोई नई मार्केट को ऐड नहीं किया जाएगा और जो ट्रेडिंग है वो 24 जुलाई को बंद हो जाएगी। वेल के को फाउंडर पॉल फ्लेचर हिल ने रिकमेंड किया है कि यूजर्स अपने पोजीशंस को रिडीम कर लें और एक्टिव मार्केट से पोजीशन को विड्रॉ कर लें, साथ ही वेल ईथर को विड्रॉ करके इसे ईथर में कन्वर्ट कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि वेल एक इथेरियम बेस्ड प्रिडिक्शन के मार्केट एगर का ही एक प्रकार था और एगर के प्रिडिक्शन मार्केट है जो कि अभी भी मौजूद है, जो कि यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी ईथर के साथ किसी भी इवेंट के आउटकम पर बैट लगाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करता है। वहीं अप्रैल में एगर ने अपने प्लेटफॉर्म पर MakerDAO DAI द्वारा स्टेबल कॉइन को यूज़ करने का भी ऑप्शन ऐड किया। इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग वेल का उद्देश्य एगर के मेन स्ट्रीम को लाना था और ट्रांजैक्शन प्रोसेस को स्पीड अप करके यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना था। वेल के सक्सेस गोल को अचीव ना कर पाने के रीज़न पर डिस्कस करते हुए फ्लेचर ने कई इशू को नोट किया, जिसमें एक इशू ये भी था कि इनका प्लेटफॉर्म क्रिप्टो नोवाइस यानी कि क्रिप्टो नौसिखियों के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। और भी कई बातों पर उन्होंने चर्चा की, जिसके लिए मैं खबर का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां से आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।